मैं खुशबुओं की जबान समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। कि सिलसिला खत्म हुआ जलने जलाने वाला, अब कोई ख्वाब नहीं नींद उड़ाने वाला। क्या करे आँख जो पथराने की ख्वाहिश न करे, क्या करे आँख जो पथराने की ख्वाहिश न करे। ख्वाब हो जाए अगर ख्वाब दिखाने वाला, ख्वाब हो जाए अगर ख्वाब दिखाने वाला। हम सभी जानते हैं कि शायरी के तीन स्कूल हैं, दिल्ली, लखनऊ और रामपुर। जो दिल्ली स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, पारंपरिक शायरी और जदीदियत के बीच जो पुल बनाते हैं, ऐसे शायर का नाम है इकबाल अशर साहब। हम उनको आमंत्रित करते हैं, जिनको सुनकर लगेगा कि शायरी ऐसे पढ़ी जाए, शायरी ऐसे कही जाए, और आप सब बताएंगे कि शायरी कैसे सुनी जाए। एक बार ज़ोरदार स्वागत इकबाल अशर साहब का। समाज फरमाए, एक शेर पढ़ता हूँ कि किसी को कांटों से चोट पहुँची, किसी को फूलों ने मार डाला। बहुत खूब, बहुत प्यारा शेर है ये। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। हाय हाय हाय, हाँ, कितना बड़ा शेर, वाह वाह वाह, क्या कहने। एक मतलब और पढ़ता हूँ, हमारे सर्वेश अस्थाना साहब, स्माइल मैन, अब महरूम जा रहे हैं, नदी से प्यासे जा रहे हैं आज हम। अच्छा, ये बात भी ठीक है। मुराद फरमाए, एक और मतला कहता हूँ कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चराग आंधी में जल रहा है। अरे क्या कहें, गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चराग आंधी में जल रहा है। किसी दीवाने से कम नहीं है ये मेरे अंदर का आदमी भी। अरे वाह, किसी दीवाने से कम नहीं है ये मेरे अंदर का आदमी भी। इधर मैं फूलों की छांव में हूँ, उधर वो कांटों पे चल रहा है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। इधर मैं फूलों की छांव में हूँ, उधर वो कांटों पे चल रहा है। और एक शेर और याद आ रहा है मुझे, कहता हूँ कि दयारे दिल में नया नया सा चराग कोई जला रहा है। दयारे दिल में नया नया सा चराग कोई जला रहा है। मैं जिसकी दस्तक का मुंतजिर था मुझे वो लम्हा बुला रहा है। वो रोशनी की तलब में गुम है, मैं खुशबुओं की तलाश में हूँ। वो रोशनी की तलब में गुम है, मैं खुशबुओं की तलाश में हूँ। मैं दायरों से निकल रहा हूँ, वो दायरों में समा रहा है। मैं दायरों से निकल रहा हूँ, वो दायरों में समा रहा है। सुनो समंदर की शोख लहरों, हवाएं ठहरी हैं तुम भी ठहरो। सुनो समंदर की शोख लहरों, हवाएं ठहरी हैं तुम भी ठहरो। वो दूर साहिल पे एक बच्चा अभी घरौंदे बना रहा है। सुनो समंदर की शोख लहरों, सुनो समंदर की शोख लहरों, हवाएं ठहरी हैं तुम भी ठहरो। वो दूर साहिल पे एक बच्चा अभी घरौंदे बना रहा है। बहुत शुक्रिया। एक कई बार नौजवानों को आवाज़ दी गई जी। नौजवान बैठे हैं तो एक मतला और याद आ गया मुझे इसी सिलसिले का, वो पढ़ता हूँ कि लबों को तशबीह दूँ कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। बड़ा प्यारा शेर है, बड़ा। लबों को तशबीह दूं कली से,
बदन को खिलता गुलाब लिखूं, मैं खुशबुओं की जबां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। वाह, क्या कह रहे। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं, मैं खुशबुओं की जबां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। एक नज़्म पढ़ना चाहता हूं, कई बार पढ़ी है वैसे लखनऊ में, लेकिन हर बार ये होता है कि कुछ नए लोग आ जाते हैं, तो उन तक इस पैगाम को ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं। तरन्नुम से ही पढ़ूंगा भाई। एक नज़्म सुन लीजिएगा, वसीयत उन्वान है इस नज़्म का, और ये एक पैगाम भी है, एक साइकोलॉजी भी है माँ बाप की। अर्ज़ करता हूँ, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। हार जाना चाहता हूँ, क्या भाई, बहुत ही खूबसूरत और बहुत